तो तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान आंदोलन पर हैं और 56वें दिन बुधवार को सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की बातचीत रही हुई, जो कि अब तक की सबसे सकारात्मक बातचीत कही जा रही है। इस बैठक में सरकार ने किसान प्रतिनिधियों को प्रस्ताव दिया कि वो तीनों कृषि कानूनों के अमल को 1.5 साल या उससे अधिक वक्त के लिए डिले कर सकते हैं, यानी कि उसको रोक सकते हैं, और इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो इसके अमल को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी गठित की गई है उससे अलग सरकार एक नई कमेटी बना सकती है, जिसमें किसान संगठन जो कि आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि, कृषि एक्सपर्ट और सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, और ये कमेटी तीनों कृषि कानूनों के अलग अलग पहलुओं के साथ MSP को लेकर चर्चा करे और फाइनल डिसीजन के साथ आगे आए और वो जो राय रखेगी उसे सरकार अमल में लाए, और सरकार से मिले इन सकारात्मक प्रस्तावों के बाद आंदोलनकारी जो किसान संगठन हैं उन्होंने कहा कि वो इस पर चर्चा करेंगे और 22 जनवरी को जब दोबारा से बैठक होगी सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच, तब वो विज्ञान भवन में सरकार के सामने किसान संगठन किसानों की राय रखेंगे। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि क्या संवाद के जरिए अब बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है और इसकी दिशा कैसी है, और जो विकल्प सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं वो किसानों के लिए कितने सही नजर आ रहे हैं, और किसान अभी भी जिन बातों पर अडिग हैं, चाहे वो MSP का हो या फिर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का, वहां पर कितना और ज्यादा लचीलापन किसानों की ओर से नजर आ सकता है, साथ ही भविष्य के विकल्प इस संवाद के बाद क्या निकलकर हमारे सामने आ सकते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ आलोक सिन्हा साहब हैं, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में रहे हैं, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ प्रेम एस वशिष्ठ साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर में रहे हैं, आपका स्वागत है। और संदीप दास हमारे साथ हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत संदीप। शुरुआत में आलोक जी आपसे करना चाहूंगा, सर ये जो बैठक रही है, जो भी 9 दौर की बातचीत हुई है उनमें कहा जा रहा कि सबसे सकारात्मक, पहली बार किसानों ने ऐसा कहा कि वो आपके यानी कि सरकार के जो प्रस्ताव हैं, जो विकल्प हैं, उनको देखते हैं और उन पर सहमत या असहमत या राय के साथ अगले दौर की बैठक में शामिल होंगे। तो सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया, चाहे वो एक नई कमेटी बनाने की बात हो जिसमें किसानों के प्रतिनिधि जो खुद आंदोलन कर रहे हैं वो भी शामिल हों, और चाहे फिलहाल कुछ वक्त के लिए उन तीनों कानूनों को होल्ड करने और उनको लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने की बात हो, इसे कैसे देखते हैं और सरकार के नजरिए से और किसान के नजरिए से कितने महत्वपूर्ण विकल्प हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 56 दिन का अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन जो भी चला रहे हैं, ऑल्दो इनका संगठन उतना सुनियोजित नहीं है, लेकिन जो भी चला रहे हैं उन्होंने अपने डिमांड इतने ऊंचे पिच पर रखे हैं शुरू से ही। उन्होंने कहा कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर अब आप MSP को भी लीगल गारंटी दे दिए, जो डिमांड पहले नहीं था। और इस पर वो 9 बार और विज्ञान भवन एनेक्सी में जाके गवर्नमेंट के साथ घंटों पर एक कमरे में बंद होके वार्तालाप की, और हर बार वापस आके निकल के यही कहा कि जब तक रिपील नहीं होगा हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। मुझे लगता है अभी एक स्टेज पहुंच गया जिसमें किसान आंदोलन को मदद के लिए इस जैम से कैसे वो निकले, तो उन्होंने अपने डिमांड इतने ऊंचे कर दिए हैं, और अब क्योंकि देश के अन्य प्रांतों से अब धीरे धीरे ये आवाज़ आ रही है कि ये एक्ट हमारे लिए तो अच्छा है, तो मुझे लगता है कल जो गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव रखा ये बहुत ही इट इज़ अ वे टू हेल्प द किसान आंदोलन आउट, इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि हम 1.5 साल के लिए फार्म लॉज को ऑन होल्ड रख देंगे। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ एक और कमेटी बना लेंगे। अब इसको तो कोई भी आंदोलन को इमीडिएटली ठुकरा नहीं सकेगा, अगर इसको भी ठुकरा दे तो वो एक इम्प्रेशन देंगे कि वो इसमें आगे कोई सलूशन की ओर नहीं है, वो बस बैठे रहने में ही उनका मकसद है। बट इन द लॉन्ग टर्म केवल वो सिंगू बॉर्डर पर बैठने से उनका काम चलेगा नहीं, उनको
उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक ये तरीका है तो उसको तो कैसे अपनी बात भी बनाए रखे, फार्म लॉज भी ऑन होल्ड आ गए और वो गवर्नमेंट को तो, इट इज अ वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड ऑफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। मुझे नहीं लगता कि ऑफर गवर्नमेंट उनको कभी देगी। वशिष्ठ सर, क्योंकि जब किसान, क्योंकि शुरुआत से ही उनकी एक ही मांग, दो मांग मैं कहूं प्रमुख तौर पर, एक एमएसपी को लेकर जो कि लीगल करने की मांग हो रही है और दूसरा इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग हो रही है, दोनों पर ही सरकार ने जो विकल्प दिए हैं इस बैठक में, और अब जबकि अगले दौर की जब बैठक होगी वहाँ पर किसानों ने साफ किया कि अपने संगठन, अपने किसान जो दूसरे संगठन उनके साथ बातचीत करके अपनी राय रखेंगे, इन विकल्पों के बाद किसानों के पास कितना स्कोप दिखता है और किस तरीके से अगर ट्रस्ट जो डेफिसिट की बात हो रही थी वो इस दौर की बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि वापस एक बार बहाल होता दिखा है। देखिए, इससे जो गवर्नमेंट का ऑफर है कि इसको इन एवेंस या पोस्टपोन किया जा सकता है 1.5-2 साल के लिए, जो भी समय वो निर्धारित करें, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और इस समय जो ये समय मिलेगा इनको, उसको उनको यूज़ करना चाहिए अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करने में। तो यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट रखूँगा कि किसान भाइयों को ये समझाने की आवश्यकता है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ और एग्रीकल्चर इनकम्स की ग्रोथ फूड ग्रेन के अतिरिक्त जो आएगी और जहाँ ज़्यादा स्कोप है वो हॉर्टिकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में है, और वहाँ पर कोई एमएसपी की बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहली बात वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना उनके लिए जहाँ इनकम ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये पेरिशेबल गुड्स हैं, इनके लिए उनको क्या प्रावधान चाहिए तभी इनकम ग्रोथ वहाँ से ज़्यादा आ पाएगी। सिर्फ फूड ग्रेन पे डिपेंड करके बिना डाइवर्सिफिकेशन के लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं आ सकता, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो ये दो एस्पेक्ट पर कि डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी को कैसे इम्प्रूव करना है और हॉर्टिकल्चर को हॉर्टिकल्चर की तरफ कैसे डाइवर्सिफाई करना है, वो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि फ्लक्चुएशंस प्राइस में काफ़ी होता रहता है टाइम टू टाइम, जो कि अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है इनकम और प्राइस के लिए फार्मर्स के लिए। तो फार्मर्स एक्सपर्ट्स जो कमेटी बनेगी, नई बने या जो चल रही है, और किसान भाई साथ में बैठ के ये देखें कि उसको स्टेबलाइज करने के तरीके पे जोर दें, और वो स्टेबलाइज तभी हो सकता है जबकि फार्म लोकेशंस के पास उनके पास पैकिंग अरेंजमेंट हो, कुछ कूलिंग चैम्बर्स हों और ट्रांसपोर्ट से लिंक हो। ये चीज़ें बड़ी फंडामेंटल हैं और उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस डायरेक्शन में सोचने की आवश्यकता है। और इंस्टीट्यूशंस कुछ क्रिएट करने होंगे, जो कि पहले काफ़ी ये डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम कमेटी ने भी रेकमेंड किया है और वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। तो वो एक डायरेक्शन है जहाँ पे ये समय जो इन्होंने एबेंस में रखने की बात की है कानूनों को, इसको यूज़ किया जाए कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज कितने फास्ट तरीके से और स्टेबल तरीके से क्रिएट की जा सकती हैं, और वहाँ पर हैंड होल्डिंग की जो आवश्यकता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करे। तो ये मुद्दे पे अब ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए जी। लेकिन जिस तरीके से संदीप, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो विकल्प इस वक्त मैं अगर सिर्फ उन्हीं पर फोकस करूँ, जो सरकार की ओर से विकल्प दिए गए हैं और जो किसानों की मांग थी, उन दोनों के बीच में क्या कोई और ऐसे आपको लगता है ऑप्शंस निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा कि कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर सकते हैं, हम स्टे कर सकते हैं, इनको लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है, और एमएसपी को लेकर भी सरकार ने कहा कि जो एक कमेटी बनेगी वो तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद और ज़मीनी हकीकत क्या है उसके आधार पर अपनी राय, अपने नतीजे को सामने रखेगी और उस पर अमल के लिए सरकार आगे बढ़ेगी।
मैं यही कहना चाहता हूं कि जो एमएसपी का मांग है तो ये तीन कानून के दायरे में नहीं आता। एमएसपी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, अभी भी है, वही ऑर्डर है। और मैं फिर दोहराता हूं, मैं पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में यही कहा हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऑपरेशन भारत में कितना लोग को होता है, ओनली राइस वीट और कॉटन, ऑयल सीड्स और पल्सेस और थोड़ा सा कोई कोपरा अगर केरला में होता है तो ये तो एमएसपी का दायरा रहता है। हालांकि 23 कमोडिटी में कमीशन पर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस डिक्लेयर करते हैं एमएसपी, तो एमएसपी मोस्टली जो है सो सीरियल क्रॉप्स में है, तो मोर फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है या डेयरी है। देखिए मिल्क सबसे बड़ा चीज है एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन पूरा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में, तो वो तो आउटसाइड ऑफ एमएसपी में। तो ये जो एमएसपी का मामले लीगली वैलिड नहीं है, तो जो डेढ़ जो इन्होंने सरकार ने जो जो बुधवार को जो मीटिंग हुआ था उसमें जो सरकार ने रखा कि डेढ़ महीने के लिए, डेढ़ साल के लिए वो ये कानून को थोड़ा सा एबेंस और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट भी अभी जजमेंट में भी वही बोला कि अभी इस कानून लागू नहीं होगा। और शुक्रवार को जब ये फिर भी दोबारा मीट होगा सरकार और फार्मर्स ऑर्गेनाइज के बीच में, तो कोई हल निकलेगा, क्योंकि कितना दिन तक आप चला सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जब दायरे में है, कमिटी बैठाएगा, मुझे लगता है एमएसपी के ऊपर जो सरकार का प्रपोजल है जो कमिटी बैठाएगा, इज इट रियलिस्टिक टू हैव एमएसपी, क्योंकि आप मार्केट डिस्ट्रक्शन कर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैन नॉट बी ए रियलिस्टिक बिजनेस मॉडल एट ऑल, क्योंकि आलू में तो कोई एमएसपी नहीं है, पोटेटो में तो कोई एमएसपी नहीं है। नहीं, लेकिन आखिर का रास्ता क्या है? ऐसे में किसानों के तर्क ये है कि अगर बहुत ज्यादा सामान या प्रोडक्ट में एमएसपी नहीं है तो जिनमें है उनमें फिर वैधानिक अगर उसे कर दिया जाए तो उसमें बुराई क्या है? और क्या इसका बोझ, सवाल ये उठता है कि क्या इसका बोझ अगर एमएसपी को लीगल किया जाता है, मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था जो कि किसानों की बड़ी मांग है, क्या वशिष्ठ साहब उसको लीगल करने के बाद जो उसका बर्डन है, जो उसका बोझ है, क्या वो कोई भी सरकार उठाने में सक्षम होगी? क्या इसे राज्यों पर छोड़ना एक बेहतर विकल्प होगा या कोई और मॉडल? अगर दुनिया के अलग अलग देशों में देखें जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड जहां पर इकोनॉमी रही है, जहां पर 60% से ज्यादा फीसदी पब्लिक एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। देखिए जो एमएसपी का जो बेसिक मुद्दा है वो अभी जैसे डॉक्टर दास ने भी कहा कि ये राइस वीट में प्रोमिनेंट है, और आप अगर उसको वैधानिक रूप देंगे तो एक तरीके का परमानेंट कमिटमेंट है कि जो भी सरप्लस होगा वो उसके लिए आप बाध्य होंगे कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो दोनों चीजें लिंक्ड हैं, दैट मींस अनलिमिटेड अमाउंट और यू नो विदाउट पुटिंग एनी लिमिट कि भाई इतना हम खरीद सकते हैं, इतने मिलियन टन्स खरीद सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट, वो भी एक समस्या आएगी कि उसको आप कितना स्टॉक करेंगे, कितना वो बेकार जाएगा, कितने की आपकी आवश्यकता है। तो सिर्फ वो ग्रेन पे परपेचुअली एम्फेसाइज करना और उसको अनलिमिटेड वे में प्रोक्योर करना वो एक बहुत ही फाइनेंशियल बर्डन होगा। और दूसरा सवाल ये है कि उतने फूड ग्रेन्स का आप क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे उस फूड ग्रेन्स को? इतना आपको एक डिमांड सप्लाई सिचुएशन भी देखना है। अगर जो आपका कमिटमेंट है यू नो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उसके बियॉन्ड आपको स्टॉक करना होगा तो वो भी एक तरीके का वेस्ट होगा, अनलेस यू कैन एक्सपोर्ट इट, और एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स WTO कंप्लायंस एटसेट्रा, वहाँ पर आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी। और स्टेट को छोड़ने का सवाल ये होगा कि उसको फंडिंग के लिए अभी तो FCI करता है, स्टेट के पास तो इतने फाइनेंसेस है ही नहीं, स्टेट की जो फाइनेंसिस की पोजिशन है वो काफ़ी प्रिकेरियस है, स्पेशली ये पेंडेमिक के दौरान में तो सारी सिचुएशन गड़बड़ है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक फीजिबल फाइनेंशियली वायबल सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि वो ना तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ना प्योरली फाइनेंशियल वायबिलिटी के हिसाब से वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे डिस्कशन आगे होना चाहिए, और इसीलिए मैंने शुरू में ये बात कही थी कि आपको फूड ग्रेन के अलावा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत हो जाना चाहिए था, आप अनलिमिटेड वे में उसको नहीं रख सकते, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ। और हमारी स्टडीज ने शो किया है कि हॉर्टिकल्चर की तरफ डाइवर्सिफाई करने से इनकम गेन होता है, जो एरिया आप शिफ्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ वो एडिशनल इनकम आपको देगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा वहां की प्रॉब्लम्स अलग है, वहां पे एमएसपी नहीं चलेगा, वहां पर बहुत वॉलेटाइल है प्राइस फैक्टर, ताकि प्राइस क्रैश ना हो
उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि वहां प्राइस स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए। और इसीलिए मैंने बात की कि वहां पे कोल्ड चेन बड़ी इंपॉर्टेंट है और पैकिंग हाउसेस वहां पे बहुत जरूरी हैं साइट्स के साथ, और वो मार्केट से लिंक होना चाहिए। तो उसके लिए पूरा चेन, वैल्यू चेन पे प्लान करके करना पड़ेगा, उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो थिंकिंग उस डायरेक्शन में जानी चाहिए। ओके सेना सर, क्योंकि आपने एफसीआई वगैरह को देखा कि अभी जो कहा जाता है कि जो टोटल खरीद होती है एमएसपी पर, वो करीब जो प्रोडक्शन है जिन जिनसों पर ये लागू है 6% के करीब शायद होता, अगर आंकड़े गलत नहीं है मेरे पास। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक और जो ऑप्शन दिया जाता है कुछ एक्सपर्ट्स की ओर से कि क्या ये पॉसिबल है कि राज्यों पर छोड़ते हुए दो तरीके से मार्केट को ड्रिवन किया जाए, एक वो कि सरकारी खरीद और जहां पर एक, जैसा कि वशिष्ठ साहब ने कहा कि एक लिमिटेड प्रोडक्शन और एक लिमिटेड जो मैं कहूं कि खरीद का नंबर्स हैं वो तय हों, और इसके अलावा वो मार्केट प्लेयर जो कि ओपन मार्केट में खरीदेंगे उसके लिए एक अलग रेट के साथ हम तय कर सकते हों। स्टेट्स के ऊपर छोड़ा जाए तो उसका मैं एक सिचुएशन में इमेजिन कर रहा हूं। पंजाब में जितना प्रोक्योरमेंट होता है, और तो पंजाब में वीट प्रोक्योरमेंट मध्य प्रदेश से कम होता है, पंजाब के किसान के नाम पे आंदोलन चल रहा है, मध्य प्रदेश में ज्यादा वीट प्रोक्योरमेंट होता है सिंगल पूल के लिए, वहां कोई एजिटेशन नहीं है क्योंकि वहां आढ़तिया लॉबी उतना स्ट्रांग है नहीं। पंजाब में किसान एजिटेशन चल रहा है बेसिकली आढ़तियों का इंटरेस्ट देखने के लिए। नाउ अगर इसको स्टेट्स के ऊपर छोड़ा जाए, मान लीजिए पंजाब में प्रोक्योरमेंट हुआ, उसके बाद फिर स्टेट का मतलब पंजाब करके डेफिसिट स्टेट को भेजेंगे या बेचेंगे। नाउ डेफिसिट स्टेट अगर मान लीजिए असम या वेस्ट बंगाल, अब उनके पास विकल्प होगा कि वो मध्य प्रदेश से खरीदेंगे या पंजाब से खरीदेंगे, क्योंकि दोनों जगह वीट प्रोक्योरमेंट। इसलिए अल्टीमेटली स्पीकिंग जैसे डॉक्टर वशिष्ठ साहब ने भी कहा कि डाइवर्सिफिकेशन इज द मेन वे जिससे फार्मर का इनकम बढ़ेगा। पंजाब में प्रॉब्लम ये है कि 60 के दशक से जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जो उन्होंने